हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं फिर से आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम देखेंगे कि एयरलाइंस यात्रियों को पैराशूट क्यों नहीं देते। Why airlines don't have parachutes for passenger? तो दोस्तों देखेंगे कि एरोप्लेन में पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता। दोस्तों हम देखेंगे कि किस हालत में इमरजेंसी लैंडिंग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा है कि कार या बस हम रास्ते पे रोक सकते हैं कुछ प्रॉब्लम आया तो, लेकिन एरोप्लेन को हम वैसा नहीं कर सकते हैं। अगर उसको रोकना है तो हमें उसको जमीन पर लाना है या पानी पे लाना है। तो दोस्तों इमरजेंसी लैंडिंग हम इसलिए करते हैं कि टू सेव द लाइव्स ऑफ द पैसेंजर, यात्रियों की जान बचाने के लिए हम इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। दोस्तों तो वहाँ पे बेसिकली तीन तरह के इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं हम। पहला जो लैंडिंग है दोस्तों उसको कहते हैं फोर्स लैंडिंग, जिसमें इस कारण से लैंडिंग किया जाता है जैसे कि इंजन काम नहीं कर रहा है, फ्यूल खत्म हो गया है, वहाँ पे फायर या स्मोक सिचुएशन है, और एरोप्लेन अगर स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाता है तो इस केस में हम फोर्स लैंडिंग करते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि लैंडिंग जनरली हम कहाँ पे करते हैं, एयरपोर्ट में। ओके, रनवे चाहिए उसके लिए, लेकिन इमरजेंसी के सिचुएशन में हम लैंड पे लैंडिंग करते हैं। दूसरा तरह का जो लैंडिंग है जिसको कहते हैं प्रिकॉशनरी लैंडिंग, इस लैंडिंग में ये लैंडिंग इसलिए करते हैं कि अगर हम एरोप्लेन को आगे चलाएंगे तो उससे और प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ओके, वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे अगर जर्नी कंटिन्यू करेंगे तो इमरजेंसी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम प्रिकॉशनरी लैंडिंग करते हैं। जो किस सिचुएशन में प्रिकॉशनरी लैंडिंग होता है, जैसे कि वेदर है जिसमें खराबी है, जैसे कि हम रास्ता भटक चुके हैं, फ्यूल का शॉर्टेज है, इंजन का परफॉर्मेंस हमें लग रहा है कि वो कम कम हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें प्रिकॉशनरी लैंडिंग करना पड़ता है। और जो नेक्स्ट मेथड देखेंगे दोस्तों, दैट इज डीचिंग। तो डीचिंग ऐसा लैंडिंग है जो पानी के ऊपर किया जाता है, तो ये बहुत ही लास्ट लेवल में लैंडिंग का डिसीजन लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि लैंडिंग करते वक्त एरोप्लेन ब्रेक हो सकता है क्योंकि बहुत सारा फोर्स उस पे लैंडिंग के टाइम आ सकता है। ओके, तो एज पर डिस्कशन विद द एरोनॉटिकल पीपल्स, तो दिस इज द लास्ट मेथड फॉर लैंडिंग, दैट इज लैंडिंग ऑन द वाटर बॉडी, पानी के ऊपर वो लैंडिंग करते हैं। अब देख रहे हो फोटो में लैंडिंग हुआ है, तो एज एरोप्लेन एयर टाइट होने की वजह से वो कुछ देर तक फ्लोट हो सकता है, आप देख सकते हैं। ओके, और हमें पता है कि जो एरोप्लेन के सीट के ऊपर तुम्हें फ्लोटिंग के लिए जैकेट दिया जाता है। ये रहा कि इमरजेंसी लैंडिंग हम क्यों करते हैं और उसके टाइप्स। ओके, तो अब हम आगे जाएंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि इमरजेंसी लैंडिंग जनरली कब कब किया जाता है, जैसे कि फायर हो, इंजन काम करना बंद कर दिया हो, फ्यूल खत्म हो गया हो, तो इस केस में हमें लैंडिंग करना जरूरी होता है।
लेकिन हम देखेंगे, एक चीज हमें देखना है कि अगर हम ऊपर से एरोप्लेन में से छलांग मारेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा? क्या हम बिना पैराशूट के अगर छलांग लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जान लीजिए, हम जितना ऊपर है उतना हमारा स्पीड रहेगा। ओके, तो अगर सपोज हम मान लीजिए आपका वेलोसिटी जो रहता है ना दोस्तों, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। सर फॉर्मूला है 2gh। सपोज हमारा एरोप्लेन 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, तो वेलोसिटी एट द टाइम जस्ट व्हेन वी टच द ग्राउंड कितना होगा दोस्तों? इट विल बी वेरी वेरी लार्ज। 10 किलोमीटर्स का कितना होगा? 10,000। सो इट विल बी वेरी वेरी लार्ज वेलोसिटी। अगर आप इस वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज फोर्स, आप सर्वाइव नहीं हो सकते दोस्तों इस लार्ज फोर्स के साथ। ओके, तो ये रहा चीज कि अगर हम बिना पैराशूट के अगर हाई अल्टीट्यूड से जंप मारते हैं तो हम बचने का कोई चांस ही नहीं। अभी दूसरे पैरामीटर देखेंगे दोस्तों, ऊंचाई की वजह से क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया दोस्तों, तो ऊंचाई की वजह से क्या होता है, हम जैसे जैसे ऊपर, जैसे हम यहाँ पे ग्राउंड है, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना दोस्तों, तो प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। और क्या होता है दोस्तों, इसके अनुपात में जो हवा में ऑक्सीजन है वो भी कम होता जाता है। हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। ओके, तो एज पर द गवर्निंग बॉडीज फॉर द एयरक्राफ्ट, दे रिक्वायर दैट प्रेशर इनसाइड द केबिन शुड बी मेंटेन 0.75 bar, नॉट लेस देन दिस। दोस्तों हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जैसे हम अगर फ्लाई कर रहे हैं दोस्तों और 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे, दैट इज 10,000 मीटर, तो वहाँ पे प्रेशर इज ऑलमोस्ट 28% ऑफ द प्रेशर एट द ग्राउंड। ओके, तो जो एयर में जो ऑक्सीजन रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन कम होता है देन वी फील मेनी डिफिकल्टीज, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से हम मरने के चांस भी है। ओके, तो जैसे गवर्निंग बॉडी जो है इट कंपेल्स टू मेंटेन प्रेशर इन द इनसाइड द एरोप्लेन। जैसे आप एरोप्लेन में बैठे ना दोस्तों तो प्रेशराइज रहता है, जैसे ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 10 किलोमीटर पे वो ऑलमोस्ट 0.28 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो वो कम रहता है दोस्त। ओके, अगर उस प्रेशर पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, विल सफर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। जितना प्रेशर कम होता है उतना ऑक्सीजन जो हवा में है वो भी कम होता है। तो गवर्निंग बॉडी हमें कंपेल करते हैं कि केबिन में कम से कम 0.75 bar इतना प्रेशर रहेगा कि सो दैट आपको जो सांस लेने में तकलीफ ना हो। ओके, तो हमें इतना प्रेशर मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप एरोप्लेन से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, एरोप्लेन के बाहर प्रेशर क्या है, बहुत कम है। वैसे कम प्रेशर में अगर आप एरोप्लेन से जंप लगाएंगे दोस्तों, तो आप एक तो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। ओके,
और उसमें और एक चांसेस है, आप मर भी सकते हो उससे, क्योंकि ये ऑक्सीजन का लेवल उस अल्टीट्यूड पे बहुत कम रहता है, तो इसलिए एरोप्लेन में प्रेशराइजेशन किया जाता है। अब दोस्तों आपने एयर से ट्रैवल किया होगा, उसमें जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एयर होस्टेस आपको एक डेमो देती है, उसमें वो कहती है कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रेशराइजेशन ऑफ केबिन तो क्या आएगा, वहां पे मास्क आएगा ऊपर से, तो आपको उस मास्क को खींच के आपको नाक को लगाना है। तो वो मास्क इसलिए दोस्तों, उसमें से ऑक्सीजन आता है, जैसे मैंने बोला कि अगर केबिन प्रेशराइज नहीं करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, हवा में बहुत कम ऑक्सीजन रहता है दोस्तों, उसपे हम जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उससे क्या होता है ऑक्सीजन का मास्क आता है, तो थोड़े टाइम के लिए हम उस ऑक्सीजन पे जी सकते हैं। और सेम टाइम पे पायलट डिसीजन लेता है कि वो नीचे लोअर अल्टीट्यूड पे जाए, जिससे वो प्रेशर जो आपको जितना चाहिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने के लिए उस लेवल में वो चला जाए। तो देखा हमने कि उस अल्टीट्यूड पे अगर हम जंप मारते हैं एरोप्लेन में से, तो वहां पे ऑक्सीजन कम है। तो मैंने बोला कि ये जो केबिन रहता है एरोप्लेन का, वो प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन वो इतना प्रेशर नहीं रखते जितना ग्राउंड पे है, तो उससे हम क्या करते हैं थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि दोस्तों जो एरोप्लेन का बॉडी ना, उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस एक्ट होता है, बाहर प्रेशर बहुत कम है, अंदर पे उससे ज्यादा प्रेशर है, तो क्या उतना फोर्सेस उस बॉडी पे एक्ट होता है, एंड दैट कैन अफेक्ट समटाइम डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हमें लिमिट करना है केबिन प्रेशर को अप टू द 0.75 bar, उससे नीचे हमें प्रेशर नहीं रखना है। ओके, तो दोस्तों अगर कम प्रेशर है, कम ऑक्सीजन है, जैसे मैंने बोला कि 0.75 bar से प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, तो 0.75 bar पे भी ऑक्सीजन थोड़ा कम रहता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल लेवल पे कम रहता है। उससे कम रहता तो क्या होता है, ऑक्सीजन कम बहुत कम हो जाता है, देन इट अफेक्ट्स योर बॉडी, जो इफेक्ट होता है ना दोस्तों, उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया क्या क्या होता है, जिसमें बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हाइपोक्सिया होता है। ओके, इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हाइपोक्सिया होता है। ओके, तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन की जरूरत है दोस्तों। अभी क्या होता है कि डिसीजन लेना और जो आपके बॉडी को मूवमेंट जो रहता है ना, इट इज अफेक्टेड बाय द ऑक्सीजन दोस्तों। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, स्लो हो सकते हैं, आपके जो बॉडी की मूवमेंट है वो कम हो सकती है, और कुछ कुछ केसेस में वो आदमी मर भी सकता है। बस तो यहाँ पे मैंने दो बोतल दिखा है, क्या होता है कि अगर आप केबिन में एक बोतल है और उसका ढक्कन आप ऊपर, एरोप्लेन में जहाँ पे प्रेशर रिलेटिवली कम रहता है दोस्तों, वहां पे मैंने आपको उसका कैप लगाया। ओके, जब आप ग्राउंड पे उतरते हो तो ग्राउंड पे क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, ऊपर में केबिन प्रेशर 0.75 bar रहता है, नीचे 1 bar रहता है, तो जो डिफरेंस की वजह से बॉटल क्रश हो गया दोस्तों। ओके, तो मैंने जो बोला कि प्रेशर डिफरेंस कैन एक्ट, तो वैसा ही वो एरोप्लेन पे एक्ट हो सकता है, इसलिए हमें एक लेवल तक ही केबिन का प्रेशर बढ़ाना है दोस्तों। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर हम अल्टीट्यूड अलग अलग अल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो दोस्तों 3 किलोमीटर अल्टीट्यूड में, या कहना भूल गया कि जनरल हम एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं दोस्तों, वो अराउंड 10 किलोमीटर ऊंचाई अल्टीट्यूड पे करते हैं, 10, 11, 12 समथिंग लाइक दिस। तो अगर हम प्रेशराइज नहीं करते केबिन, तो जो
आप लोग जाके लक्षण जो है ना दोस्तों 3 किलोमीटर ऊंचाई पे ही नजर आने लगते हैं। ओके, तो उन्होंने देखा कि यूजफुल कॉन्सियसनेस कितना हो सकता है, इसके बाद आप अनकॉन्सियस होने के चांसेस है दोस्तों, डिपेंड्स ऑन द बॉडी। 7 किलोमीटर पे आप अनकॉन्शियस होने से पहले 3 से 5 मिनट रह सकते हैं। 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे 1 मिनट के आसपास आप रह सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट प्रेशराइजेशन। और 13 किलोमीटर पे लगभग 15 सेकंड तक आप रह सकते हैं। ओके, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है हम बहुत कम समय तक वहाँ पे कॉन्शियस रह सकते हैं दोस्तों, यूजफुल कॉन्शियस। अनकॉन्शियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि अगर 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड से आप जंप लगाते हैं और वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। तो अब हमने हर चीज को देखा। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है ना दोस्तों, तो वैसा प्रेशर कम हो जाता है। ओके, जैसे मैंने बोला कि 10 अल्टीट्यूड पे ऑलमोस्ट 0.28 bar प्रेशर रहता है, और उसमें जो हवा रहती है उसमें से जो ऑक्सीजन रहता है वो बहुत पर्याप्त रूप में नहीं रहता, और हम यू कैन गो टू द हाइपोक्सिया। और एक अल्टीट्यूड का जो प्रॉब्लम है वो है टेम्परेचर। क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है, अल्टीट्यूड बढ़ता है, तो दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। हर 1 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे दोस्तों 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। अगर हम ग्राउंड पे 30 डिग्री है और हम 10 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर घट के -35 हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर दोस्त। अगर इस टेम्परेचर पे आप छलांग लगाएंगे एरोप्लेन में से तो आपका आइस ही बन जाएगा। ओके, तो दो दिक्कतें हैं हाई अल्टीट्यूड का, एक तो ऑक्सीजन बहुत कम है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, समटाइम डेथ के भी चांसेस हैं, और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इतना कम होता है, ऑलमोस्ट वो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है दोस्तों। और दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे इसमें कि जो पैसेंजर रहते हैं वो कॉमन आदमी रहते हैं, उनको जंप लगाना क्या, पैराशूट यूज करना, ये कुछ भी नहीं आता है। मे रियल ऐसा केस हो सकता है कि पैसेंजर को पता हो स्काई डाइविंग, लेकिन वो बहुत सारे कॉमन आदमी को पता नहीं। जब आदमी इतने ऊंचाई से जंप लगाएगा तो पहले तो जंप लगाने का डेयरिंग ही नहीं करेगा, अगर किया तो भी सब पैसेंजर को कंट्रोल करना, इतने ढेर सारे पैसेंजर, लिमिटेड स्टाफ, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। और मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि पैराशूट यूज करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि पैराशूट बहुत भारी होता है, उसका वजन जो वेट लगभग 9 से 20 किलो होता है। अगर हम इतने पैराशूट रखेंगे तो एरोप्लेन का वेट बहुत ही बढ़ जाएगा, उससे एयरफेयर और बढ़ जाएगा दोस्तों। और देखिए कि जो पैराशूट रहता है वो सस्ता नहीं होता है, वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपीस का एक पैराशूट होता है दोस्तों। और दूसरा प्रॉब्लम जो आता है ना, जब हम जंप करते हैं दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि अगर आप चलते हुए गाड़ी में से पेपर अगर या कोई भी चीज बाहर फेंकते हैं तो इमिडिएटली विंडो के बाहर जाने के बाद उसके ऊपर हवा का झोंका आने की वजह से एक फोर्स एक्ट होता है। ओके, हमारी जो कार है वो 60-70 किलोमीटर पे चलता है, लेकिन जो एरोप्लेन है दोस्तों ये 1000 किलोमीटर पर आवर इतने हाई स्पीड से चलता है।
अगर आप कोई भी जंप उसमें से लगाते हो तो वेरी हाई फोर्स विल एक्ट। तो जैसे उनके स्टडी के दौरान उनको ऐसा पता चला है कि अगर आपको सेफली जंप करना है विद लिमिटेड फोर्स ऑन योर बॉडी तो वो स्पीड 250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो एरोप्लेन का स्पीड रहता है वो 900 हजार के आसपास होता है। तो अभी हमने देखा कि जंप लगाना इतने ऊपर से और पैराशूट इस्तेमाल करना बहुत ही इम्पॉसिबल, क्या हम कह सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट है। और बहुत सारे एक्सीडेंट दोस्तों टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होते हैं। तो इसीलिए ये सब देखने के बाद पैराशूट प्रोवाइड करना पैसेंजर के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए पैराशूट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इसलिए प्रयास किया जाता है कि एरोप्लेन लैंड करे, पहले तो रनवे पे पॉसिबल हो तो रनवे पे, न तो कोई तो भी लैंड। अरे बहुत इमरजेंसी केस होते तो लैंडिंग पानी पे किया जाता है। पैराशूट इस्तेमाल करना डिफिकल्ट है क्योंकि एरोप्लेन जिस हाइट पे उड़ता है वहाँ पे अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा रहता है, टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, ऑक्सीजन इतना कम होता है कि आप ज्यादा देर तक इस ऊंचाई पर रहेंगे तो मर भी सकते हैं, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। और दूसरा कॉस्ट का जो इश्यू है वो भी कॉस्ट वेट का इश्यू है पैराशूट से रिलेटेड, और पैसेंजर्स नहीं जानते कि पैराशूट कैसे इस्तेमाल करना है, करते भी हैं तो कहाँ पे लैंड हो गए किस जगह जाएंगे ये हम कुछ बता नहीं सकते। इसलिए एयरलाइंस ने ऐसा ही डिसीजन लिया है कि पैराशूट पैसेंजर के लिए नहीं देना है। दोस्तों हमने देखा कि पैराशूट क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता पैसेंजर एरोप्लेन में। तो थैंक यू दोस्तों, यू लाइक प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।